हे गाइस, वेलकम बैक टू द स्पाइस क्लिनिक। तो आज मैं आपको जो रेसिपी बताने जा रही हूँ वो बहुत ही सिंपल है। अगर आप डोमिनोज खाने के शौकीन हैं तो ये रेसिपी आप ही के लिए है। इसके लिए चाहे तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए अब देखते हैं इसको कैसे बनाना है। इसके लिए सबसे पहले हमने बेस लिया है जो रेडीमेड मिलता है, कुछ बेस बनाने का झंझट नहीं है। उस पर थोड़ा सा हमने लिक्विड चीज़ डाला है और थोड़ी सी पिज़्ज़ा सॉस डाली है। पिज़्ज़ा सॉस चाहें तो आप घर की बनी भी यूज़ कर सकते हो, पर लिक्विड चीज़ को स्किप ना करें और इसकी जगह पे मेयो बिल्कुल मत डालें। इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेना है और इसके ऊपर हमने अच्छे से ग्रेट करके डालने हैं पिज़्ज़ा चीज़। चाहे तो आप अकेला मोज़रेला चीज़ भी यूज़ कर सकते हो। चीज़ आप अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हो। इसके बाद हमने इसके ऊपर लगानी है थोड़े से कटे हुए प्याज। सब्जियां भी आप अपनी पसंद के हिसाब से लगा लेना। इसके बाद मैंने इस पे डाल दी हैं थोड़ी सी छोटे छोटे टुकड़ों में कटी हुई शिमला मिर्च। हरी शिमला मिर्च मैंने यूज़ करी है, चाहे तो आप लाल और पीली शिमला मिर्च भी यूज़ कर लेना। इसके बाद डाल दी हैं थोड़े से कॉर्न्स, और कॉर्न्स डालने के बाद इसको अच्छे से सब तरफ फैला देना है। और उसके ऊपर हमने दोबारा से लगाने हैं छोटे टुकड़ों में कटे हुए टमाटर। ये ना बहुत ही सिंपल बेसिक सी रेसिपी है, तो आप आराम से घर पे बना सकते हो इसको। जब हमने टमाटर अच्छे से फैला लेने हैं तो उसके ऊपर हमने दोबारा से चीज़ ग्रेट करना है। अगर आपका पिज़्ज़ा खूब सारा चीज़ वाला होगा तो आपको यकीनन बहुत ही पसंद आएगा। और उसके ऊपर मैंने लगा दिए हैं थोड़े से ऑलिव्स। ऑलिव्स अगर आपको पसंद ना हो तो स्किप कर लेना। इसको आपने उसके बाद अवन में 220 डिग्री पर 7 से 8 मिनट के लिए बेक कर लेना है। थोड़ी सी सीजनिंग भी डाल देना। अगर आपके पास OTG घर पे नहीं भी है ना तो भी कोई घबराने की बात नहीं है, आप इसको कढ़ाई में भी बना सकते हो। कढ़ाई में आपने क्या करना है, कढ़ाई को पहले गर्म कर लेना 10 मिनट के लिए ढक्कन लगा कर। उसके अंदर एक स्टैंड रखा होना चाहिए और जिस भी आपने प्लेट पर या जिस किसी बर्तन में आपने बेक करना हो उसके स्टैंड के ऊपर लगा कर रख कर ढक्कन बंद कर देना है। बीच में ढक्कन को खोलना नहीं है। देखिए हमारा पिज़्ज़ा इस तरफ बेक हो गया है। देखिए ये कितना बढ़िया बेक होकर तैयार हुआ है। तो इसको एक बार ज़रूर बना कर देखना, बनाना बहुत ही ईजी है। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप ना डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा खाना भूल जाओगे। तो इसके एक बार ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना कि आपका ये कैसा बना। तो चलिए मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।